गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर गुंजन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि माता रानी की कृपा से आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल भी ठीक हैं और नवरात्रि की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है आप लोगों का नवरात्रि, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे है मॉर्निंग का टाइम, मैं बनाई हूँ इस टाइम पे करेले का भरता। तो करेले का भरता ना मैंने बना लिया है, सारा खाना मेरा बन चुका है इस टाइम पे और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो चुका है। बट वहीं जो भी हम लोगों को खाना था वो खा चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अगर बच जाता है तो हम लोग दोपहर में भी खा लेते हैं उसको। तो देखूंगी, राइस दाल से भी ना करेले का भरता ना काफ़ी अच्छा लगता है, तो उस टाइम भी हम लोगों का चलेगा। और इस टाइम पे अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को नहलाने के लिए, और दोनों बच्चे नहीं नहाए हैं अभी, तो उन लोगों को नहलाने के लिए और जो भी थोड़ा सा पेंडिंग काम पड़ा हुआ है उसको मैं करती हूँ, उसके बाद से आप लोगों से मिलूंगी आराम से। और यहाँ पे देखिए, मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मैंने नवरात्रि की शुरुआत कैसे की थी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कलश स्थापन भी किया है और कलश के अंदर जो होता है ना उसमें मैंने सिक्के डाले हैं और चावल डाला है, जो कलर किया हुआ चावल होता है। पूरी विधि विधान से मैंने इन सारी चीज़ों को किया। और यहाँ पर माता रानी का फ़ोटो है, नीचे में वैष्णो माता का फ़ोटो है। मैं वैष्णो माता को भी मानती हूँ और वहाँ पे भी कई बार जा चुकी हूँ मैं। वैष्णो देवी की जो चढ़ाई होती है ना वो भी कर चुकी हूँ, तो कई बार ये सारी भी चीज़ें कर चुकी हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अरेंज कर दिया है। और डे वन जो था ना नवरात्रि का पहला दिन, तो उस दिन ही मैंने सारी चीज़ें ये करी थी। और परसों था तो उस दिन मैंने सारी चीज़ें की और कलश स्थापन किया। यहाँ पे शंख रखा हुआ है माता रानी के सामने में, और ये मेरा घर का जो मैं मंदिर में जिसमें पूजा करती हूँ मैं डेली, वहीं वाला मेरा मंदिर है ये। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है और विधि विधान से मैंने कलश स्थापन किया है। सब कुछ मतलब खुद से ही किया है, ऐसा नहीं है पंडित जी को बुला के नहीं किया है। तो जो भी चीज़ें मैं जानती हूँ, जैसे कि मेरे घर में हुआ करता है, सभी लोग करते हैं, उसी तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को किया है। और दोस्तों, इस टाइम पे टाइम हो चुका है 11:30 बज चुका है, और एक्चुअली आज मेरी वीडियो भी नहीं गई है। आप लोगों को वेट होगा लेकिन वीडियो मेरी नहीं जा पाई है, क्योंकि बहुत बड़ा सा मेरे साथ ना पंगा हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। रात को तो मैंने देखा था, तो वीडियो मैं मॉर्निंग में ही एडिट करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। कुछ काम उसमें के होते हैं जो मैं रात को करती हूँ सोने के पहले, लेकिन जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ इस टाइम पे, मॉर्निंग का जो मैंने गुड मॉर्निंग आप लोगों को वीडियो शूट किया, उसके बाद से मैं देखी कि मैं सर्च कर रही थी कि कौन सा वीडियो है, कौन सा फोल्डर है, मैं उसी टाइम पर सब ठीक करती हूँ। तो इस टाइम पर जब ठीक करने गई हूँ 11 बजे के करीब, तो वीडियो ही नहीं है मेरे मोबाइल में। और कल का वीडियो जो था ना नवरात्रि स्पेशल मैंने बनाया था, जो कलश स्थापन करी है मैंने और सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें सारी क्लिप्स मैंने बनाई थी कलश स्थापन और जो नवरात्रि की मैंने पूजा की थी और दिन के जो भी व्लॉग थे, मेरा व्रत था, तो उन सब चीज़ों को ना मैंने उन्हीं का व्लॉग बनाया हुआ था। और मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मतलब मेरी वीडियो ही नहीं मिल रही है और मैं आज वीडियो लाइव भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं मतलब मेंटली होता है ना प्रिपेयर होना कि ये क्योंकि मेरा वीडियो जो भी होता है ना अपडेटेड होता है, आज का वीडियो होता है वहीं कल जाता है आप लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले दो दिन पहले का वीडियो नहीं जाता है आप लोगों के पास, आज का वीडियो कल जाता है आप लोगों को। तो कल नवरात्रि थी तो आज वीडियो डालनी थी और वीडियो वो मेरे फ़ोन में है ही नहीं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब सैड हो गई। और इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर कोई कमेंट भी आता है ना कि आपकी वीडियो कब आएगी या फिर आपका व्लॉग आज आएगा कि नहीं आएगा, मैं क्या जवाब दूंगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे ना उतना समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर वीडियो मतलब मेरे मोबाइल से गायब कहाँ हो गई। मैंने रिसाइकिल बिन में ढूँढा और फिर मतलब हस्बैंड को भी बोला मैंने, तो उन्होंने फिर से इंसर्ट भी किया मेरे मेमोरी को, या फिर जो भी करना था ना सब कुछ मैंने करके देख लिया।
लेकिन वीडियो मतलब उसमें नहीं है, और 15-16 मिनट की वीडियो थी, और पूरी की पूरी बस कल की वीडियो और फोटोज़, कल के सारे वीडियोज़ और फोटोज़ मेरे मोबाइल से गायब हैं, और समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या और कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और मेरे पास दूसरी कोई वीडियो भी नहीं थी कि मैं आप लोगों को इस टाइम पे मतलब एडिट कर पाऊँ उसकी, और एडिटिंग कर पाऊँ और वीडियो लाइव कर पाऊँ। तो बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, और आप लोगों को भी वेट होगा मेरे व्लॉग का, लेकिन व्लॉग आज नहीं आ पाएगा। और सॉरी मतलब जैसे कि कल व्लॉग नहीं आया, आज का तो खैर ये व्लॉग जा रहा है आप लोगों को। तो इस टाइम पे अब मुझे कुछ भी करने का ना मन नहीं कर रहा है, जा रही हूँ मैं सोने के लिए। वैसे अक्सर मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मेरी वीडियो ही नहीं जाएगी ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है एकदम से। और बाकी सारे भी बहुत सारे काम थे अभी पेंडिंग, लेकिन कुछ भी नहीं करने का मन हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ इस टाइम पे, अब सोऊंगी, और बाबू को भी लेके जा रही हूँ। बाबू का भी सोने का टाइम हुआ है, तो इस टाइम पे बाबू को मैं सुला देती हूँ, उसके बाद से अपनी वीडियो में लग जाती हूँ, उसको लाइव करती हूँ, आप लोगों से बातचीत करती हूँ, आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करती हूँ। बट वो सारी चीज़ें मैं, मुझे लग रहा है आज नहीं हो पाएगी, नहीं कर पाऊँगी। तो जो भी होना था, पता नहीं मतलब वीडियो कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी जो हुआ कुछ नहीं कर सकते हैं उसका। और मैंने सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश की है, सब कुछ किया, लेकिन नहीं है। तो पता है एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और मेरी मेहनत जो है ना पूरी की पूरी बेकार हो गई है, वीडियो आप लोगों तक पहुंची ही नहीं, तो मेहनत को बेकार ही कहेंगे ना। तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों से भी मिलती हूँ जब मेरा मूड अच्छा हो जाएगा ना थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुका है शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं गई हूँ मंदिर, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने थे। तो शाम के टाइम मुझे टाइम मिला, मॉर्निंग में टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है कि मैं टेंपल जाऊँ, तो घर में ही पूजा पाठ कर लेती हूँ। और शाम के टाइम पे आज यहाँ पे मंदिर में आई हूँ। तो ये बहुत बड़ा सा मंदिर है, लेकिन इस टाइम पे ना अंधेरा होने वाला था, और इस टाइम पे मंदिर का जो गेट है ना वो क्लोज़ हो चुका था। वैसे अंदर जा सकते थे, साइड से एक छोटा सा गेट है वहाँ से जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे का गेट मेन जो होता है ना वो क्लोज़ है। तो हमने यहीं से पूजा पाठ कर लिया, यहाँ पे जो धूप अगरबत्ती जल रहे हैं यहीं से आशीर्वाद ले लिया। और ये मंदिर जो है ना बहुत बड़ा है, और ये माता रानी का ही मंदिर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। और ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जस्ट ये गेट है ना, गेट के ऊपर भी और साइड में भी बहुत अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ पे। देखिए माता रानी की ये। परी क्यों मौत पा रही है? हाँ डोंट टच बरी, ओपन हो जाएगा। फिर ना उसके बाद से मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पे मैं चली आई थी, क्योंकि शाम का ही अपॉइंटमेंट था हमारा। और एक बार मैं जा चुकी हूँ, ये सेकंड टाइम था, और मेरा आज जो भी चीज़ था ना क्लियर हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरे टीथ में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े और पेन मैं फील करूँ या फिर इस तरीके से, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको पूरा फिट करा ही लेते हैं, क्योंकि पेन बढ़ेगा कुछ भी होगा दिक्कत तो फिर प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ, और आज मेरा ख़त्म भी हो गया है काम। ये देखते हैं सक्सेस रहे।
ये सब बच्चे खाते कितना आइए इधर देखिए आ रहे हैं देखो तो उसमें है मिरर में अरे इधर से हो गया है सेव और देखिए ये इस टाइम पे ना रात का टाइम हो चुका है झमाझम से बारिश हो रही है टाइम हो रहा है इस टाइम पे 9:30 बज चुके हैं 9:30 राइट हो रहा है और बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है यहाँ पे एकदम से यहाँ देखिए इधर अंदर में बारिश कम आ रहा है बट बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है और मेरा खाना वाना इस टाइम पे बन चुका है। मैं जा रही हूँ खाना लगाने के लिए बट सोचा कि उसके पहले मैं ब्लॉग को एंड कर लूँ और बारिश भी इतनी तेज़ आई ना कि मैं बाहर ही जा रही थी देखने के लिए कुछ मतलब कोई चीज़ें तो नहीं है बाहर रह रही हैं तो मैं चेयर वगैरह रखती हूँ ना बाहर तो उस पर कुछ ना कुछ कपड़े फैले होते हैं अक्सर यही होता है। प्रिंसू यहीं पे हैं और प्रिंसू को भी अब नींद आ रही है तो प्रिंसू को भी खाना खिलाना है। प्रिंसू खाएंगे इस टाइम पे दूध रोटी और हम लोग खाएंगे रोटी सब्जी रायता यही सब मैंने बनाया हुआ है तो चलिए मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए और यहाँ पे वीडियो को एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट ऑल।